माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। हम ओबीजी पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने सारे जितने भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इंटरनल जेनिटेलिया थे वो सब हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखते हैं पेल्विक कैविटी में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए जो पेल्विक मसल्स हमारे यूज आते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। पेल्विक मसल्स क्या करते हैं, पेल्विक ऑर्गन्स को ही सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। अपन ये बोल सकते हैं कि एक से दूसरे जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में या फिर उनको कम्युनिकेट करने का काम ये मसल्स करते हैं, या उनको एक जगह स्थिर रखने का काम ये पेल्विक मसल्स करते हैं। पेल्विक मसल्स की अगर हम बात करें तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक पेल्विक मसल का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम पेल्विक मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दो स्ट्रक्चर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, दो स्ट्रक्चर हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर वो होगा पेल्विक फ्लोर एंड सेकेंड वन इज पेरिनियम, ठीक है। आज हम पेल्विक फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे कि पेल्विक फ्लोर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेल्विक फ्लोर की, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, इसे डोम शेप स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, डोम शेप स्ट्रक्चर, ओके, सेपरेटिंग द पेल्विक पार्ट अबव एंड पेरिनियम पार्ट बिलो, इसको सेपरेट करके रखता है ये, सेपरेट द पेल्विक कैविटी अबव एंड पेरिनियम बिलो, ओके, इतना सबको समझ में आया कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक फ्लोर है अपर पार्ट में, तो इसके क्या है हमारा पेल्विक कैविटी है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स लाई कर रहे हैं, इसके नीचे की तरफ क्या है पेरिनियम एरिया है। तो कुल मिला के ये हमारा जो पेल्विक फ्लोर है ये एक मस्कुलर शीट होती है, क्या होती है ये मस्कुलर शीट, या फिर लिख सकते हैं हम डोम शेप स्ट्रक्चर एंड नीचे लिख सकते हैं इट इज अ मस्कुलर शीट, एक तरीके से ये मस्कुलर शीट होती है जो कि किसको सेपरेट करती है भाई, हमारे पेल्विक कैविटी को और पेरिनियम को, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो इसका हमारा पेल्विक जो फ्लोर है उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है, ठीक है, ये मेनली हमारे लिवेटर एनी मसल से मिलकर बना होता है, कंप्राइजेस ऑफ लिवेटर एनी मसल्स, ओके, अभी लिवेटर एनी मसल्स के भी अपन बाद में आगे जाके टाइप देखेंगे, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है भाई, लिवेटर एनी मसल से मिलकर बना है। अब अगर हम बात करें जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है इसके अपन को आगे दिख रहा होगा ये है प्यूबिक बोन और पीछे क्या है ये है कॉकिक्स, ठीक है। तो अबव द प्यूबिक बोन एंड बिलो द कॉकिक्स, या हम बात कर सकते हैं एंटीरियर द प्यूबिक बोन एंड पोस्टीरियरली द कॉकिक्स, ये क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो हम बात करें इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स, इसके अंदर जो मसल्स के टाइप मैं आपको आगे बताऊंगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स दैट स्ट्रेच, जो कि स्ट्रेच होते हैं एंटीरियरली बाय प्यूबिक बोन, एंटीरियरली तो किससे स्ट्रेच हो रहा है प्यूबिक बोन से, एंड पोस्टीरियरली बाय कॉकिक्स, इतना सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है।
ये हमारा पेल्विक फ्लोर की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मसल्स होते हैं ये किस किस ऑर्गन को अपने से क्या बोलते हैं उसको, किस किस ऑर्गन को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी अगर हम देखो मेल एंड फीमेल्स दोनों में ये पेल्विक फ्लोर पाया जाता है, ठीक है, ये पेल्विक मसल्स पाए जाते हैं। पर पेल्विक कैविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल्स में क्या होते हैं, डिफर करते हैं। कैसे डिफर करता है बात दो में, दे सपोर्ट कौन कौन से ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं देखना अभी, बोवेल ब्लैडर एंड यूट्रस, किस किस को सपोर्ट करा इन्होंने पेल्विक फ्लोर के मसल्स ने, हमारे पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स बोवेल ब्लैडर एंड यूट्रस। अब सिंपल सी बात है, ये ऑर्गन्स ये दोनों तो मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाएंगे, यूट्रस मेल्स में नहीं पाया जाता। तो तो अपने जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में वो ओनली बोवेल एंड ब्लैडर को मानते हैं, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर जो होता है वो मेल्स में ओनली बोवेल एंड ब्लैडर को ही सपोर्ट करता है, जबकि फीमेल्स में तीन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, बोवेल ब्लैडर एंड यूट्रस। आपको सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा ब्लैडर यूट्रस हो गया, ये हमारा बोवेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया ब्लैडर हो गया, ठीक है। तो ये सारे मसल्स पेल्विक फ्लोर क्या होता है इनको अपने सपोर्ट कर रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं ऑर्गन्स की बोवेल ब्लैडर एंड यूट्रस की जो ओपनिंग होती है, अब सीधी सी बात है भाई, बोवेल की ओपनिंग क्या होगी, रेक्टम, ठीक है, ब्लैडर की ओपनिंग क्या होगी, यूरेथ्रा, एंड यूट्रस की ओपनिंग क्या होगी लास्ट में जाके, वेजाइना, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स है ये अपने अंदर से इनकी ओपनिंग को पास होने देते हैं, जैसे कि आप सबको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ब्लेडर हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये बोवेल हो गया, इसके जो पार्ट है, ठीक है, ये इसकी जो ओपनिंग है इन सब में से वो किस में से होके जा रही है, इन्हीं पेल्विक मसल्स में से होके जा रही है, इसी पेल्विक फ्लोर में से होके जा रही है। तो कुल मिला के इनकी जो ओपनिंग होगी, ठीक है, इनको ये क्या करेगा, अपने अपन यूं बोल सकते हैं कि इनको ये कंट्रोल करेगा कि कभी भी अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो इनकी ओपनिंग भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, अगर ये रिलैक्स होंगे तो इनकी ओपनिंग भी रिलैक्स होगी, स्फिंक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके बाद अपन को समझ में आया, तो इतना अपन को समझ में आ ही चुका है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि अगर पेल्विक फ्लोर के मसल्स हमारे कमजोर होंगे या वो ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं होंगे, ठीक है, देन बात करें हम When pelvic floor muscles are strong, अगर pelvic floor के muscles हमारे strong होंगे तो क्या होगा, then it prevent, क्या prevent करेगा भैया, लीकेज ऑफ यूरिन एंड फीसेस। सिंपल सी बात है भाई कि अगर हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो क्या होगा, ऐसे आसानी से हमारे यूरिन एंड फीसेस, ठीक है, इनवॉलंटरी पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड, प्रोलैप्स नहीं होगा। प्रोलैप्स सब जानते हैं क्या, प्रोलैप्स क्या होता है, किसी के एक ऑर्गन के दूसरे ऑर्गन में ओपनिंग हो जाना, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें प्रोलैप्स की, तो प्रोलैप्स के जो एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं रेक्टोसील क्या होता है भाई, व्हेन रेक्टम ओपन्स इनटू वेजाइना, ठीक है। यूरिथ्रोसील भी हो सकता है ऐसे, यूरिथ्रोसील क्या होता है भाई, यूरिथ्रा ओपन्स इनटू वेजाइना, और अगर हम बात करें तो हमारा रेक्टोसील हो गया, यूरिथ्रोसील हो गया, सिस्टोसील की बात करें तो सिस्टोसील मतलब हो गया हमारा ब्लेडर ओपन्स इनटू वेजाइना। तो ये कुछ हमारे, अगर हमारे पेल्विक मसल्स स्ट्रोंग होंगे, पेल्विक फ्लोर स्ट्रोंग होगा हमारा, तो ये सारी कंडीशन नहीं हो पाएगी। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बताई,
कि लीक ऑफ यूरिन एंड फीसिस नहीं हो पाएगी, सेकंड क्या हो पाएगा, सेकंड प्रोलैप्स नहीं हो पाएगा। प्रोलैप्स मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में ओपन ओपनिंग नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था जो हमारे लिवेटर एली मसल्स है जो कि हमारा पेल्विक फ्लोर बनाता है। अच्छा, जो हमारे पेल्विक फ्लोर की अगर हम बात कर रहे हैं, पेल्विक मसल में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, पेल्विक फ्लोर, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पेरिनियम की बात करेंगे। तो पेल्विक फ्लोर जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कौन से मसल्स बना रहे हैं, लिवेटर एली। अभी लिवेटर एली मसल्स होते हैं ये भी मेनली तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा जो है वो है प्यूबो कोकीजियस मसल। कौन सा मसल हो गया हमारा भी, प्यूबो कोकीजियस मसल, ठीक है। सेकेंड वन इज इस्चियो कोकीजियस मसल, ठीक है। और थर्ड वन की अगर हम बात करें तो वो हो गया हमारा इलियो कोकीजियस मसल, ठीक है। तो ये हमारे लिवेटर एली मसल जो है वो तीन टाइप के हो गए। इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हमारे लिवेटर एली मसल्स बोलते हैं। इतना सबको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे जो पेल्विक मसल्स होते हैं या पेल्विक फ्लोर होता है, ठीक है, उसके अंदर दो टाइप की ओपनिंग पाई जाती है। क्या होती है, उसके अंदर दो टाइप की ओपनिंग पाई जाती है जिसको अपन हाइटस भी बोलते हैं, ओपनिंग या गैप बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। तो हम टॉपिक डाल लेते हैं, हम गैप्स, ठीक है। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा गैप होगा उसको हम बोलेंगे हाइटस यूरोजेनाइटलिस। क्या बोलेंगे हम इसको, हाइटस यूरोजेनाइटलिस। और सेकेंड वन जो हमारा होगा उसको हम बोलेंगे हाइटस रेप्टेलिस मसल या रेप्टेलिस गैप, ठीक है। तो ये दो टाइप के गैप हमारे इसके अंदर, इस पेल्विक फ्लोर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट वाले गैप की बात करें हाइटस यूरोजेनाइटलिस की, ठीक है, तो इट इज एन एंटीरियर सिचुएटेड गैप। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एंटीरियरली हमारे पेल्विक फ्लोर के एंटीरियर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, विच अलाउ पैसेज ऑफ, ये एंटीरियरली सिचुएटेड गैप जो होता है वो किसको अलाउ करता है, विच अलाउ पैसेज ऑफ वेजाइना एंड यूरेथ्रा। मतलब ये जो हमारा एंटीरियर हाइटस यूरोजेनाइटलिस है, ये एंटीरियर सिचुएटेड गैप होता है और ये अपने अंदर से वेजाइना एंड यूरेथ्रा को पास आउट होने देता है, ठीक है। उसके बाद हम हमारे सेकंड गैप की बात करें हाइटस रेक्टलिस, जैसे इसका नाम है रेक्टलिस, ये भी किसको पास आउट होने देगा, रेक्टम को, ठीक है। हाइटस रेक्टेलिस मसल, रेक्टेलिस गैप, ठीक है। हाइटस रेक्टेलिस गैप जो होगा हमारा, ठीक है, ये क्या होगा, सेंट्रली पोजीशन गैप है। कैसे गैप है ये, सेंट्रली पोजीशन गैप है, सेंट्रली पोजीशन गैप विच अलाउ, इसको अलाउ करेगा ये रेक्टम, विच अलाउ रेक्टम टू पास थ्रू। ओके, सबको इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट इसके फंक्शंस की, कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स, जो हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स थे उनके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेन फंक्शन होगा, ठीक है, वो होगा सपोर्ट पेल्विक ऑर्गन्स। अब सपोर्ट कैसे करेगा भी पेल्विक ऑर्गन्स को, बाय
फॉर्म्स अ, अभी क्या बनाता है, यू शेप स्लिंग बनाता है, क्या बनाता है, यू शेप स्लिंग बनाता है जो कि सपोर्ट करती है हमारे, विच सपोर्ट वेजाइना एंड अदर पेल्विक ऑर्गन्स। समझ में आ गया सबको भाई, ये सब क्या फर्स्ट फंक्शन क्या था इसका, सपोर्ट पेल्विक ऑर्गन्स, यू शेप स्लिंग बनाई इसने, उसके बाद में वेजाइना और अदर पेल्विक ऑर्गन्स को इसने क्या करा, सपोर्ट किया, ठीक है। सेकंड अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मेंटेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, किसको मेंटेन कर रही है, मेंटेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग एंड लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया, जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने टाइम या कफिंग के टाइम हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करने का कौन काम करता है, हमारे पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर के मसल्स करते हैं, ठीक है। थर्ड अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो इसका जो थर्ड फंक्शन होगा वो होगा फेसिलिटेट एंटीरियर इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका ये एंटीरियर इंटरनल रोटेशन भी करता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन हो गया, और फोर्थ फंक्शन इसका जो होगा वो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या होगा कि मेंटेन यूरिनरी एंड फीकल कॉन्टिनेंस। फोर्थ क्या होगा भाई इसका, मेंटेन यूरिनरी एंड फीकल कॉन्टिनेंस, मतलब एक तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर से गुजर रहे हैं, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के दौरान ये क्या करेगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये अपने एक स्प्रिंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये इसके चार कुछ फंक्शन हो गए, ठीक है। ये इसका डायग्राम अपन को सबको दिख ही रहा है, प्यूबिक बोन इसके एंटीरियर पाई जाती है, फोकिक्स इसके पोस्टीरियर पाया जाता है, ये यूट्रस है, ये बोवेल, ठीक है। ये हमारे पेल्विक मसल थे, पेल्विक फ्लोर के बारे में बात करी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।